आगे दोबारा से फिर करते हैं स्टार्ट। दोबारा से फिर शुरू करते हैं आगे। इस क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। इसमें भी रेजोनेंस एनर्जी को ही देखना है। आप एक ये है और एक यहां पर ये है, एक ये है और एक यहां पर ये है। आई थिंक ऐसा ही है। यस ऐसा ही है। दिस इज फर्स्ट, दिस वन सेकेंड, दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ। आपको करना क्या है, आपको एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करना है, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम करो कि किसमें रेजोनेंस हो रहा है और किसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसे देखो, यहां पर नो कंजुगेशन, कंजुगेशन ही नहीं है। इस पोजीशन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो यहां पर अगर कंजुगेशन नहीं है तो नो रेजोनेंस। इसकी एनर्जी, इसकी रेजोनेंस एनर्जी नहीं होगी, होगी ही नहीं। अब आप इसमें कह सकते हैं कि अगर रेजोनेंस एनर्जी नहीं है, मतलब रेजोनेंस ही नहीं है, और अगर रेजोनेंस ही नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती है कि रेजोनेंस एनर्जी हो। रेजोनेंस एनर्जी ही नहीं है। अगर एक बार बच्चों आपने ये डिसाइड कर लिया कि कहां पर रेजोनेंस हो रहा है, कहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा था। यहां पर रेजोनेंस है क्योंकि इसके इसके बीच में कंजुगेशन है। यहां पर रेजोनेंस है क्योंकि इसके इसके बीच में कंजुगेशन है, साथ में इसके इसके बीच में कंजुगेशन है। फिर यहां पर रेजोनेंस है, इसके 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 बीच में कंजुगेशन है। अब आपको इन तीनों में एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन या डिग्री ऑफ कंजुगेशन डिसाइड करना है। तो आप इसमें देखो कि इसके पास तो एक ही एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन है, यहां पर केवल एक एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन है। आप इसको लिख लो आराम से, वन एक्सटेंट, वन डिग्री, डिग्री लिखो यार, वन डिग्री ऑफ कंजुगेशन इन दोनों में दो डिग्री का है, तो इसको आप लिखो टू डिग्री। आप डिग्री लेकर के चलो तो इसमें और इसमें दो डिग्री का है, आप कुछ इस तरीके से लिख दो। अब मेरे बच्चों आगे चलो, आपको मैंने बताया था कि ये क्रॉस कंजुगेशन है और क्रॉस कंजुगेशन जो होता है वो लेस इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो जो क्रॉस कंजुगेशन होता है वो लेस इफेक्टिव होता है, और इसमें तो कंटिन्यूअस कंजुगेशन है, इसमें कंटिन्यूअस कंजुगेशन है। और अगर कहीं पर कंटिन्यूअस कंजुगेशन है या एक्सटेंडेड कंजुगेशन है तो वो मोर इफेक्टिव होता है। तो देखो बच्चों, आपको इसमें पहले क्लासिफिकेशन करना सीख लो भाई। ये आलतू फालतू में नहीं, ये जिसे कहते तुक्का मारना नहीं, किसी रिजल्ट पर पहुंचना पड़ेगा। और आपको देखो, मैंने कुछ दिन ऑनलाइन ही पढ़ाया, कुछ दिन से ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूं। जो मैं बताता हूं, केमिस्ट्री में मैथमेटिकल अप्रोच सीख लो, फालतू में कुछ नहीं। सबसे पहले आपने डिसाइड किया कहां कंजुगेशन है और कहां पर नहीं है। यहां पर तो कंजुगेशन ही नहीं था, इन दो यहां पर कंजुगेशन है।
अब कहां पर कंजुगेशन ज्यादा है या रेजोनेंस ज्यादा है और कहां पर रेजोनेंस कम है, ये 1 डिग्री का इन दोनों में 2 डिग्री का, इन दोनों में जब 2 डिग्री का निकल गया तो किसमें कंटिन्यूअस है और किसमें क्रॉस है, इसमें कंटिन्यूअस है इसमें क्रॉस है। क्रॉस हमेशा कम इफेक्टिव होता है, कंटिन्यूअस हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मेरे बच्चों सीधी सीधी कहानी है कि अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी डिसाइड करनी है, रेजोनेंस एनर्जी डिसाइड करनी है तो उस केस में बिल्कुल क्लियर कट कहानी है कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैंने टीचरों को भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते देखा है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते देखा है, बहुत सारे टीचरों को कंफ्यूज होते देखा है। आप किसी भी हालात में कंफ्यूज ना हो और बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन को करने की इच्छा रखें, बहुत क्लियर। ये आपके पास देखो इन दोनों की लड़ाई हो सकती है, इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। यार कहीं भी कोई भी चीज कंपैरिजन का सबसे पहला लॉ है कि कुछ ना कुछ इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आप मान लो कि सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन क्रिकेट में मुझसे करें तो गलत बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। हाँ ठीक है, सचिन तेंदुलकर का विराट कोहली से कर लो, चल जाएगा। अगर केमिस्ट्री में मेरा कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से करें तो भी गलत हो जाएगा। हाँ सचिन अरोड़ा से करें, चल जाएगा, हो जाएगा। कहीं ना कहीं कंपैरिजन का कोई लेबल होना चाहिए, तो इनके कंपैरिजन का लेबल पहले डिसाइड कर लो। इनके कंपैरिजन का लेवल है, कोई तकलीफ नहीं है। इनके कंपैरिजन का लेवल है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों में 2 डिग्री का है, इसमें भी 1, 1, 2 और 1, 3, यहां भी 2 डिग्री का है। अब आप 1 डिग्री वाले पर चलो तो इसमें 1 डिग्री का है, ठीक है भैया 1 डिग्री का कर लो। अब आगे चलो आप, इसमें तो है ही नहीं, तो सबसे कम यहीं पर आएगा जिसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर कहता हूं जिसको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो एक बार फोन करके जरूर पूछो, मैं वेट कर रहा हूं। ये YouTube पर जाएंगे वीडियो, लेकिन मैं कोई केयर नहीं करता। पहली केयर मुझे आपकी करनी है, फिर किसी और की करनी है, पहली केयर मुझे आपकी करनी है। आ गया, चलो भैया आगे चलते हैं, अगर आ गया तो इसे समझ में अच्छे से आ गया। वाह भाई वाह, वाह जी वाह। अगर सृष्टि कह रही है अच्छे से आ गया फिर तो समझ लो ठीक है, फिर तो सुरेश शुक्ला पास, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। थैंक यू बच्चों। ये अगर ऑफलाइन में, क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता है कि हम ऑफलाइन जा पाएंगे, कोरोना बहुत ज्यादा है। आज भी आशीष बत से बात हो रही थी बायोलॉजी वाले सर से, तो कह रहे थे सर हर गली मोहल्ले के बाहर बल्लियां लगी हुई हैं, इस हालात में कोरोना है तो यही है। मीन आप जितना इंट्रेक्शन करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैं खुद ही बच्चे को करता रहता हूं। अब यहां तो बेटा आपको डबल रोल प्ले करना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी रखना है, पढ़ना भी है, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। चलो 49 बाद में देखेंगे, 50 पर चलते हैं।
सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग कर भी लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। यहां पर कुछ ऐसे और यहां पर कुछ ऐसे। अरे भाई ठीक है, ये क्रॉस है और ये कंटिन्यूअस है, तो क्रॉस जो है वो लेस इफेक्टिव होता है हमेशा, कंटिन्यूअस जो है हमेशा मोर इफेक्टिव होता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब दूसरे को देखो कुछ ऐसा, अरे भाई इसका इससे कंपैरिजन कैसे कराओगे, इसमें 1 2 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो ये तो पहले ही बाहर हो गया। तो अगर आप रिजल्ट निकालोगे, आंसर निकालोगे, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी इसकी आएगी, उसके बाद फिर रेजोनेंस एनर्जी इसकी आएगी, और उसके बाद फिर रेजोनेंस एनर्जी इसकी आएगी, कुछ ऐसे। ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी होगा, ये ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी होगा। भाई देखो आपको ये तो सबसे कम हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ही कितने कम है डबल बॉन्ड, और इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है, तो आप इसको तो सबसे कम कर दो। फिर इसको देखने का तरीका है कि इसमें क्रॉस है, इसमें कंटिन्यूअस है, बात खत्म है। चलिए 49 पर चलते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूं, 49 पर चल रहे हैं, 49 कैसे होगा, देखो भाई यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड और है, यहां पर OCH3 है, ये कंटिन्यूअस है। इसके बाद यहां पर OCH3, ये क्रॉस है। इसमें देखो अगर लोन पेयर को भी काउंट, चलो डबल बॉन्ड काउंट कर लो यार, 1 2 3 यहां पर 1 2 3, इनकी डिग्री इक्वल है, इनकी डिग्री इक्वल है। अब आप बात करो OCH3, अरे इसमें तो बहुत ही कम है भाई, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसको अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड की और फिर थर्ड की, इस तरीके से ये कुछ आंसर आएगा। अब चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बॉन्ड लेंथ के कराना चाहता हूं, जिससे आप लोग बच्चों कुछ करने लग जाओ खुद भी। मैं बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन ढूंढ लूं और फिर मैं क्वेश्चंस बॉन्ड लेंथ के कराता हूं। जी पंडित जी क्या हाल चाल है? हाँ उसका वो 60 वाला बैच चल रहा है। अरे नहीं बताओ यार क्या बात है बताओ। अच्छा अच्छा चलो फिर मैं रात को फोन करता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो भाई एक सेकेंड यार, जरा बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस ढूंढ लूं। चलो थोड़ा सा पढ़ाता हूं जिससे कि बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस होने लग जाएं, इजी हो जाए, तो पढ़ा लेता हूं मैं आपको। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ाता हूं, काफी काम आता है बच्चों ये एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ में भी काम आएगा।
एसिड और बेस स्ट्रेंथ में काम आएगा। एक बात और आप याद रखो, शुरू शुरू में जब तक मैं नहीं कराऊंगा आप लोग नहीं कर पाओगे, कुछ बच्चे करेंगे जिनकी इलेवेंथ कंपेरेटिवली बेटर होगी, अच्छी होगी, वो तो कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ बच्चे जिनकी इलेवेंथ कमजोर होगी नहीं कर पाएंगे। अभी तो थोड़ा सा बच्चे कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने भी हल्का हाथ रख रखा है। अदरवाइज मैंने आपके लिए काफी टाइम फ्री कर रखा है, मैं आपको बताना नहीं चाहता था, काफी टाइम फ्री कर रखा है मैंने। तो मैं आपको ऑनलाइन ही ऐसे जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, और काफी चीजें आपसे मेहनत कराऊंगा, सामने सामने बैठ के मेहनत कराऊंगा, तो फिर आपको ये ठीक लगने लग जाएगा, दो चार दिन बाद ठीक लगने लग जाएगा आपको। चलिए देखते हैं बच्चों, स्टेरिक इनहिबिशन, ऑफ रेजोनेंस। सर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इसे कहते हैं। सर मैंने आपको बताया था रेजोनेंस है क्या, बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी है, बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी का नाम रेजोनेंस है, और स्पेशली पाई बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी का नाम रेजोनेंस है। अब पाई बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी कब आएगी, कब पाई बॉन्ड बनेगा, कैसे पाई बॉन्ड बनेगा, जब दो ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन पर होंगे, ऐसे कुछ एक ही प्लेन पर ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, साथ में पैरेलल भी होंगे, ऐसा कुछ होगा तब पाई बॉन्ड बनेगा। आप पाई बॉन्ड को थोड़ा सा उल्टा सीधा समझते हो, देखो मैं बहुत एलिमेंट्री लेवल पर लेकर चलूंगा। पहली बात, रेजोनेंस किस चीज का नाम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कई बार मैं ये भी लिखवाता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेसिंग पाई बॉन्ड, इसको मैं ही लिखवाता हूं, मेरा अपना कल्चर है। अब बच्चों पाई बॉन्ड को समझो, मेरे बच्चों आप पाई बॉन्ड को ऐसे कुछ बना देते हो, ऐसे इस तरीके से पाई बॉन्ड बनाते हो, ऐसे फैशन सा कर रखा है आपने बनाने का, ऐसे बना देते हो। कई बार बच्चा और कुछ ऐसे भी बना देता है, ऐसे बना देता है पाई बॉन्ड, ऐसे बना देता है। क्या वास्तव में ऐसा पाई बॉन्ड होता है? आंसर है बच्चों, इस तरीके से पाई बॉन्ड नहीं होता है। पाई बॉन्ड वास्तव में कैसा होता है, बिल्कुल उसकी कहानी क्या है, वास्तव में कैसा होता है पाई बॉन्ड, वास्तव में कुछ ऐसा होता है, ए ऐसा समझिए सभी कोई, ये पाई बॉन्ड है, इसको पाई बॉन्ड कहते हैं। मैं केमिकल बॉन्डिंग जल्दी स्टार्ट करूंगा, परेशान हो आज ही मैं और जितने सर हैं उन सबसे बात करके स्टार्ट करूंगा। तो ये पाई बॉन्ड है, जब तक ये इसके साथ मिलेगा नहीं तब तक पाई बॉन्ड बनेगा नहीं। आप कुछ भी कर लो भाई साहब, मैं आप इसे बना लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, नहीं मैं तो सच्चाई बताऊंगा ही, ये पाई बॉन्ड है, ऐसा कुछ पाई बॉन्ड है।
यानी कि ये वाला पार्ट और ये करके मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है, ये पाई बॉन्ड है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो मैं आपको, लेकिन यहां मैं इतना ही बताकर खत्म करूंगा कि वास्तव में ये पाई बॉन्ड है। ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग टू बता रहा हूं कि ये पाई बॉन्ड है। मोलिकुलर ऑर्बिटल में और भी चेंजेस आ जाते हैं, वो फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा, यहां पर इतने से काम चल जाएगा। तो अगर वास्तव में जानना चाहते हो कि पाई बॉन्ड क्या है, तो इस तरह से पाई बॉन्ड है, ऐसे कुछ ऐसे, इस तरीके से पाई बॉन्ड है, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, तो ये पाई बॉन्ड होगा, ऐसे कुछ ऐसे, ये पाई बॉन्ड है, बीच में जगह खाली रहेगी, ये कुछ पाई बॉन्ड है बच्चों। तो इस पाई बॉन्ड के बनने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का नाम रेजोनेंस है। अगर इस पाई बॉन्ड के बनने की प्रोबेबिलिटी इनहिबिट होती है, कम होती है, तो उसे इन्हीं और रेजोनेंस कहते हैं। बहुत बैंक सिस्टम है, क्या क्या समझाऊं आपको भैया, जो ये इलेक्ट्रॉन को आप ले लेते हो, ऐसा होता भी नहीं है, तो वेव नेचर आ गई है इलेक्ट्रॉन की, तो एक अलग मैटर है। मैं तो आपका जितना सिलेबस है उतना ही समझाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा, अभी क्वेश्चंस कराए हैं, आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आई होगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, पाई बॉन्ड के बनने की पॉसिबिलिटी का रेजोनेंस है, ठीक बात, पाई बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, ठीक बात। अगर मैथमेटिकली फील करो कि अगर इस तरीके की सिचुएशन नहीं आती, कम जाती, तो रेजोनेंस का इनहिबिशन होगा, थोड़ा फील करते हैं। देखो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा खिसका देता हूं, ऐसे कर देता हूं, तो पाई बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन अच्छा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, फिर अच्छा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये पाई बॉन्ड है, मैं इसे थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, ऐसे, ये देखो ना, ऐसे, तो पाई बॉन्ड बनेगा, अच्छा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, देखो ऐसे थोड़ा सा कर दिया, नहीं बनेगा। ये पाई बॉन्ड है, मैं थोड़ा इसे ऐसे ले जाता हूं, तो पाई बॉन्ड अच्छा पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए इसको ऐसे मिलना जरूरी है, साथ में इसको ऐसे मिलना जरूरी है, देखो ना, ऐसे ऐसे मिलना जरूरी है, इस तरीके से नीचे से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा, तब अच्छा पाई बॉन्ड बनेगा। जो बातों को अगर किसी तरीके से कि जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स जो हैं, अगर ये अपनी लोकेशन से थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, ऐसे देखो ऐसे, तो रेजोनेंस का इनहिबिशन होगा, थोड़ा ऐसे हो जाते हैं तो भी रेजोनेंस का इनहिबिशन होगा। तो आप क्या कहते हो, ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड की खासियत क्या है? अगर ऑफलाइन होते तो मैं आपको और परेशान कर देता, इसकी खासियत क्या है? ये दोनों ऑर्बिटल्स कंपेरेबल हैं, एक ही प्लेन पर हैं और पैरेलल हैं। इसमें इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं ये प्लेनर हैं, प्लेनर ऑर्बिटल्स हैं। पहली बात, ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये प्लेनर हैं। दूसरी बात, ये ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं, पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं। और तीसरी बात, कंपेरेबल साइज के ऑर्बिटल्स हैं, कंपेरेबल साइज ऑर्बिटल्स हैं। मेरे बच्चों, यही पाई बॉन्ड के बनने की कंडीशन है, और यही कंडीशन रेजोनेंस की है। अगर इन कंडीशंस में थोड़ा बहुत फेर बदल हो जाता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत परसेंटेज की चेंजिंग आ जाती है, अगर थोड़ी बहुत परसेंटेज इन कंडीशंस में चेंज हो जाता है, तो
पाई बॉन्ड इनहिबिट होगा, रेजोनेंस इनहिबिट होगा। थोड़ा समझते हैं हम और तरीके से, ठीक है, थोड़ा और तरीके समझते हैं। एक आइडियल टीचर और एक आइडियल स्टूडेंट, टीचर को बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, स्टूडेंट को बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, टीचर को हर क्वेश्चन जो भी वो टारगेट लेकर चल रहा है, नेट लेकर चल रहा है, जेडब्ल्यू मेन लेकर चल रहा है, जेडब्ल्यू एडवांस लेकर चल रहा है, उसके क्वेश्चंस करवाने चाहिए, क्लास में भी होमवर्क भी देना चाहिए, बच्चे को भी एटलीस्ट 80% होमवर्क करना चाहिए, और बहुत सारी कंडीशन से बना सकता हूं आइडियल स्टूडेंट एंड आइडियल टीचर। मेरे बच्चों, दुनिया में ना कोई आइडियल टीचर हुआ है ना कोई आइडियल स्टूडेंट हुआ है। जो आईआईटी में रैंक 1 लाता है वो भी आइडियल नहीं है, ना उसका टीचर आइडियल है। थोड़ा बहुत डेविएशन चलता है, थोड़ा बहुत कंडीशन में लोच चलता है, ढीलापन चलता है। जैसे कि ठीक है 4 बजे का है तो 4:05, 4:10 तक आ जाओ, ठीक है, चलता है ये। टीचर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, चलता है। लेकिन 4 बजे का बैच है और 4 बजे आता है, फिर तो समझ लो बॉन्ड बन ही नहीं रहा। तो ये कंडीशंस जो हैं, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग तो हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होगी। थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी तो रेजोनेंस इनहिबिट होगा। इसका मतलब ये है कि पाई बॉन्ड के बनने की प्रोबेबिलिटी, मैं वर्ड जो इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत सोच समझ के करता हूं, मेरी सारी चीजें नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी वो इनहिबिट होगी। अगर रेजोनेंस इनहिबिट होता है, पाई बॉन्ड के बनने की प्रोबेबिलिटी इनहिबिट होती है, किससे? स्टेरिक क्राउडिंग से, स्टेरिक रिपल्सन से, तो उसे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहेंगे। तो दिस स्टेरिक इज रीजन ऑफ द इनहिबिशन ऑफ द रेजोनेंस। ये स्टेरिक जो है, मैंने परसों चौथे दिन में पढ़ाया था, स्टेरिक अगर रेजोनेंस के होने के रेट को कम कर रहा है तो उसे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहेंगे। चार बजे का बैच है, मान लो आपका मैथ्स का टीचर 4:05 पर छोड़ता है, तो आप 4:10 तक मुझे ज्वाइन कर लोगे। तो दैट इज कॉल्ड इनहिबिशन ड्यू टू द मैथमेटिक्स टीचर। तो उसे MIR कहेंगे, मैथमेटिक्स इनहिबिशन ऑफ टीचिंग, या MIT कहेंगे, या MIC कहेंगे, मैथमेटिक्स इनहिबिशन ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस। लेकिन अगर 4:30 छोड़ता है फिर तो मामला खराब हो जाएगा, फिर तो कुछ होने के नहीं, केमिस्ट्री क्लास नहीं चल पाएगी। तो मेरे बच्चों, बहुत क्लियर कट बात है। अब मैं आपको समझाऊंगा, समझा तो दिया, लिखवाऊंगा, समझा समझ तो बहुत गए। पॉइंट नंबर 3, डिक्रीज, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें करवा देता हूं, डिक्रीज इन एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू द 3-dimensional क्राउडिंग ऑफ ग्रुप्स और एटम्स। इज कॉल्ड सर
थ्री डायमेंशनल क्राउडिंग का नाम हिस्टेरिक इफेक्ट था। अब बच्चों इस सर को, ये पूरे केमिस्ट्री में चलता रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक साथ में पढ़ाने लग जाऊं तो आप लोग झेल नहीं पाओगे, फिर रिवोल्ट कर जाओगे, टीचर बेकार कह दोगे, तो एक साथ में पढ़ा भी नहीं सकता, धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा। तो सर एक्जेक्टली है क्या? रेजोनेंस का एक्सटेंट डिक्रीज हो गया। किसकी वजह से डिक्रीज हुआ? हिस्टेरिक क्राउडिंग ऑफ ग्रुप्स और एटम्स की वजह से हुआ। वो हिस्टेरिक क्राउडिंग ऑफ ग्रुप्स और एटम्स करेगा क्या? इन तीन चीजों को डिस्टर्ब कर देगा। हिस्टेरिक क्राउडिंग क्या करेगा? इन तीन चीजों को डिस्टर्ब कर देगा भाई। इसीलिए जब ये तीन चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, तब जाकर के मेरे बच्चों सर हो जाएगा। अब इस सर को समझो, एग्जाम्पल से समझो। जिनको नोट करने की इच्छा रहती है, आदत होती है, नोट कर लो। देखो बच्चों, इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं थी कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। आप लोग खुश हो, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रेजोनेंस हो रहा है। हैबिट में डायरेक्ट बढ़ाता हूं, आप लोग चूंकि बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इसीलिए हाइब्रिड डायरेक्ट बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये रेजोनेंस हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस क्यों हो रहा है भाई? रेजोनेंस हो क्यों रहा है? क्योंकि ये और ये प्लेनर हैं, क्योंकि इसका ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल का पैरेलल है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल का साइज इसके ऑर्बिटल के साइज के कंपेरेबल है। रेजोनेंस क्यों हो रहा है? रेजोनेंस होने की वजह क्या है? ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं, प्लेनर ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए रेजोनेंस हो रहा है। प्लेनर ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए रेजोनेंस हो रहा है। मैं समझाऊंगा, परेशान मत हो। पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए रेजोनेंस हो रहा है। साथ में कंपेरेबल साइज ऑफ ऑर्बिटल्स है, इसीलिए रेजोनेंस हो रहा है। कंपेरेबल साइज ऑफ ऑर्बिटल्स है, इसीलिए रेजोनेंस हो रहा है। अरे यार देख लो क्या परेशानी है। ये आग पास ऐसा कुछ है, ऑर्बिटल्स बना लो, क्यों परेशान हो रहे हो? जिंदगी में कभी भी घुट घुट के मत जियो। नहीं आता है, पूछो भाई। देखो क्या दिक्कत है, लो बना दिए मैंने ऑर्बिटल्स। आप परेशान हो रहे थे, बना दिए ऑर्बिटल्स, लो। ये ऐसा कुछ बना दिए ऑर्बिटल्स। यहां पर लोन पेयर है। अरे यार ये लोन पेयर इसके साथ भी तो बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ भी तो बॉन्ड बना सकता है। समझ में नहीं आ रही बात? अरे भाई ये ठीक है, इसके साथ ये पाई बॉन्डिंग हो रखी है। पाई बॉन्डिंग अभी समझा है, ये चिपक के रहते हैं इसीलिए पाई बॉन्डिंग होती है। अब इसमें चिपकना दिखा नहीं सकता, तकलीफ ये है, लेकिन इसे समझोगे नहीं तो फिर दुनिया समझ में आएगी नहीं। ये चिपके हुए हैं, चिपके हुए हैं। अरे इसे इस तरह से समझो, ये हस्बैंड है और ये है वाइफ, ऐसे समझो। ये बॉन्डिंग हो रखी है। अब ये हस्बैंड यही तो सोचता है कि ये मेरी वाइफ है। अगर ये भी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है तो यार ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसकी वाइफ भी तो हो सकती है। क्यों नहीं मानते आप? क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, क्योंकि ये प्लेनर है,
पैरेलल प्लेनर सब कुछ होने पर इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे चिपक जाए, कभी इसके साथ चिपकी हुई है कभी इसके साथ चिपकी हुई, तकलीफ क्या है, कोई तकलीफ नहीं। ये तो आपके दिमाग का बहन है ना कि वो मेरी पत्नी है मेरा पति है, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी की पत्नी, सब झूठ बात। तो ये ऐसा हो सकता है, क्या दिक्कत है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, ये प्लेनर है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए यहां पर ये रेजोनेंस हुआ है, ये यहां पर भी ऐसे भी हो सकता था, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए यहां रेजोनेंस हो रहा है। अगर इसकी प्लेनरिटी में, अगर इसकी पैरेललिटी में, अगर इसकी पैरेललिटी में, प्लेनरिटी में कोई चेंज कर दिया जाए, तो फिर अब यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये वाइफ इस हस्बैंड की नहीं होगी, केवल इसकी होगी, बस कहानी इतनी सी है और कोई कहानी नहीं है। और उसके लिए क्या किया जाए, मैं बताता हूं क्या किया जाए। यहां पर NH2, यहां पर आप क्या करो भाई, अरे यार इसकी प्लेनरिटी को डिस्ट्रॉय करना है इसके साथ, तो क्या किया जाए, यहां पर CH3 लगा दो, 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 लो लगा दिया। अब इनमें रिपल्सन होगा, इनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन फोर्सेस काम करने लग जाएंगे, और एक बार रिपल्सन फोर्सेस काम करने लग जाएंगे तो प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको भी समझाई देता हूं मैं, यहां पर रिपल्सन होगा, अरे यार ये रिपेल करने लग जाएंगे, यहां पर स्टेरिक रिपल्सन होगा, और अगर ये स्टेरिक रिपल्सन होगा, यहां पर स्टेरिक रिपल्सन होगा, और अगर ये स्टेरिक रिपल्सन होगा, तो फिर क्या होगा, इसे तो रोटेट होना पड़ेगा ना सर, 90 इसे तो रोटेट होना पड़ेगा। लो भाई मैं रोटेट कर ही देता हूं, ये तो एज इट इज, इस झगड़े से बचने के लिए इसे रोटेट होना पड़ेगा। झगड़ा अच्छा नहीं है, झगड़ा अच्छा नहीं है, इसे रोटेट होना पड़ेगा भाई। कुछ ऐसे मान लो ये प्लेन के बाहर चला गया।